बच्चों आज फिर मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी क्लास में। तो आज मेरे पास जो क्वेश्चन पहला है वो है जी प्रोटो कोऑपरेशन क्या है, उसको एक्सप्लेन करना हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। सो बेटा प्रोटो कोऑपरेशन होता है जिसमें एक से ज़्यादा स्पीशीज होती हैं और ये स्पीशीज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती है, मतलब दोनों को बेनिफिट मिलता है, दोनों को फ़ायदा होता है, म्यूचुअली बेनिफिटेड। सो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, सपोज एक काऊ है और उसके ऊपर एक बर्ड बैठी हुई है उसकी बॉडी के ऊपर, तो वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, वो उसकी लाइस खा रही है, जो उसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वो खा रही है। तो बेटा काऊ की तो बॉडी साफ़ हो रही है, ठीक है, उसको भी बेनिफिट मिल रहा है, इन्फेक्शन से बच रही है, और बर्ड्स का जो उसके ऊपर बर्ड बैठी है उसका पेट भर रहा है, तो इसको म्यूचुअलिज्म भी बोलेंगे और प्रोटो कोऑपरेशन भी मिलेंगे। तो ये इंटरेक्शन है दो स्पीशीज़ की जिसमें दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट मिलता है। पर एक और बात है कि अगर रहने का काम टाइम आए तो ये एक दूसरे के बिना भी सरवाइव कर सकती हैं, ठीक है। सो प्रोटो कोऑपरेशन क्या हुआ है, इस तरह के इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज़ जिसमें दोनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली डिपेंडेंट है पर वो इंडिपेंडेंटली भी रह सकती हैं, अलग से भी रह सकती हैं। तो आइए अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो एग्जांपल जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था बेटा, अभी मैंने आपको काऊ वाला डिस्कशन किया, अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल बताऊंगा कि क्रोकोडाइल की एग्जांपल आपको बताऊंगा। एक पर्टिकुलर बर्ड होती है बेटा जिसका नाम होता है प्लूवियानस एजेप्टियस। क्रोकोडाइल क्या करता है, वो अपना मुंह ओपन करके बैठ जाता है, ठीक है, और पूरा सारा टाइम अपना मुंह ओपन रखता है फॉर 1 to 2 hours। तो ये जो बर्ड है उसके माउथ के अंदर चली जाती है और वहाँ पर जितने भी उसके क्रोकोडाइल के टीथ के अंदर फूड पार्टिकल्स लगे हुए हैं या जो खाना बचा हुआ उसके मुंह में लगा हुआ है, मीट लगा हुआ है, जो भी है वो उसको खा लेती है, तो क्या होता है, क्रोकोडाइल का जो पूरे दांत साफ़ हो जाते हैं और बर्ड का पेट भर जाता है। तो क्या होता है, इसको हम क्रोकोडाइल बर्ड भी बोलते हैं। तो ये क्या करती है, ये माउथ क्रोकोडाइल के माउथ के अंदर एंटर करती है और उसके ऊपर फीड डाउन करती है, जो उसके अंदर माउथ के अंदर पैरासाइट्स हैं, लीचीज़, उनको खा लेती है, बर्ड को खाना मिल जाता है और क्रोकोडाइल के माउथ के अंदर से ब्लड सकिंग पैरासाइट्स, ठीक है, निकल जाते हैं और फाइनली दोनों अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। ओके, तो इस कोऑपरेशन के बगैर भी सर्वाइवल पॉसिबल है बिल्कुल। बर्ड अपने ओन पे भी सरवाइव कर सकती है, क्रोकोडाइल अपने ओन पे भी सरवाइव कर सकता है। सो ये है जी प्रोटो कोऑपरेशन का एग्जांपल कि दोनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं बट सेपरेटली भी रह सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है बेटा रेड बिल्ड ऑक्स पैकर की और येलो बिल्ड ऑक्स पैकर की विद ब्लैक राइनोसिरस फ्रॉम प्रोटो कोऑपरेशन टाइप ऑफ इंटरेक्शन। इसमें जो बर्ड्स होती हैं वो टिक्स को खाती हैं और पैरासाइट्स को खाती है जो राइनोसिरस की बॉडी के ऊपर चिपके हुए होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इनके सेपरेटली सर्वाइव करने की, तो ये बर्ड्स और राइनोसिरस सेपरेटली भी सर्वाइव कर सकता है बड़ी आसानी से। फिर अब दोबारा से आपको आज क्वेश्चन आ गया कि कमेंसलिज्म क्या है, उसके दो एग्जांपल दीजिए। कमेंसलिज्म जो होती है वो इंटरेक्शन है दो स्पीशीज़ के बीच में जिसमें एक स्पीशीज़ को तो फ़ायदा होता है पर दूसरी को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स टॉक अबाउट ऑर्चिड प्लांट। मैंगो की ट्री के ऊपर ऑर्चिड प्लांट ग्रो करता है, ओके। मैंगो की ट्री के ऊपर ऑर्चिड प्लांट ग्रो कर रहा है, मैंगो का कोई रिलेशन नहीं है, ना तो उसको उस प्लांट से फ़ायदा होगा ना ही उसको उस प्लांट से नुकसान होगा, ठीक है। पर ऑर्चिड को क्या फ़ायदा हो रहा है, उसको सपोर्ट चाहिए होती है ग्रो करने के लिए और सपोर्ट उसको मिल रही है। फिर अब यहाँ पर और एग्जाम्पल्स भी आपको दी हुई है, जैसे कुछ फर्न्स हैं, मॉसेस हैं, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, ठीक है,
तो ये लार्ज प्लांट्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं, जहाँ से इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और लार्ज प्लांट को भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। फिर आगे आ गया बेटा हमारे पास जी सेकंड एग्जांपल, इस्कोरेंशिया कोलाई। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो अनडाइजेस्टेड फूड के ऊपर लिव करता है, ठीक है, जो क्या करता है जी अनडाइजेस्टेड फूड खाता है ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये बैक्टीरिया जो प्रोटोजोअन है आपको हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन में मिलेगा, ये हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन में वो वाला फूड खाता है जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और ये हमारे लिए बेनिफिशियल ही है। ये कुछ विटामिंस भी रिलीज करता है जिसको ह्यूमन बॉडी यूज़ करती है, और साथ ही साथ ग्रोथ भी चेक करती है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया की। सो देखा आपने कमेंसलिज्म में कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दोनों स्पीशीज़ में से एक स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है, पर दूसरी स्पीशीज़ को फ़ायदा भी हो सकता है या नुकसान भी हो सकता है। नहीं, उसको बेनिफिट मिलता ठीक है, नहीं मिलता तो भी सर्वाइवल है। ओके, फिर यहाँ पे दिखाया गया कि एक पायलट फिश होती है जो हमेशा शार्क के साथ सर्वाइव करती है, और जो जो शार्क वेस्ट फूड छोड़ती है वो पायलट फिश साथ में खाती रहती है। तो पायलट फिश को तो बेनिफिट मिल रहा है, उसको अच्छा खाना मिल रहा है, पर शार्क को ना तो फ़ायदा है ना उसका नुकसान है, शार्क उसके बिना भी सर्वाइव कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, कुछ इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म बताइए प्लांट्स में हर्बीवोरी के अगेंस्ट। आपको बताएं कि कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। तो ये हर्बीवोर्स जब प्लांट को खाने के लिए आते हैं तो प्लांट में कौन कौन से मैकेनिज्म बिल्डअप हो जाते हैं जिससे वो अपने आप को बचा सकता है। पहला, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं और उनकी जो स्टेम होती है उसके ऊपर एक थिक क्यूटिकल ग्रो कर जाती है जो इतना ज़्यादा हार्ड सरफेस कर देती है कि एनिमल्स उसको बाइट नहीं कर पाते। जैसे रबर प्लांट की आप एग्जांपल लीजिए, रबर प्लांट की जो क्यूटिकल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। नंबर टू, बहुत सारे प्लांट्स अपने अंदर कुछ टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो डिस्कम्फर्ट करते हैं हर्बीवोर्स के अंदर, ठीक है। इसका एग्जांपल है बेटा कैलोट्रोपिस, कार्डियक ग्लाइकोसाइड एंजाइम प्रोड्यूस करता है। तो जैसे ही एनिमल इस प्लांट को बाइट करता है तो कैलोट्रोपिस क्या करता है, जैसे ही एंजाइम बाइट करता है कैलोट्रोपिस इस केमिकल को रिलीज करता है, ठीक है, और फाइनली उसका पल्पिटेशन रेट बढ़ जाता है एनिमल का और वो उस प्लांट को एज इट इज छोड़ के चला जाता है। अब ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि कैलाट्रोपिस के पास एक कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज नाम का एंजाइम है जो एनिमल्स का हार्ट रेट बढ़ा देगा। फिर कुछ प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं स्पाइन में, जैसे कैक्टस में, ताकि वो हर्बीवोर से अपने आप को बचा सकें। इसी तरह कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर कोटिंग होती है जो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है, और कुछ प्लांट्स के पास स्टिकी ग्लैंडुलर हेयर होते हैं वो भी प्रोटेक्शन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डेमोग्राफी क्या है और डेमोग्राफी का सिग्निफिकेंस क्या है। डेमोग्राफिक होता है जी साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी को डेमोग्राफी बोलते हैं, और ह्यूमन पॉपुलेशन को जब हम काउंट करते हैं तो उसको सेंसस बोलते हैं, ठीक है। आगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन को साइंटिफिकली स्टडी करने का सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहला है जी, ये लोगों के बीच में अवेयरनेस लेकर आती है ताकि लोगों को पता चले कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ गई, अगर अनकंट्रोल्ड हो गई पॉपुलेशन तो क्या क्या खामियां होंगी, क्या क्या नुकसान होंगे। फूड की आप कह सकते हो कि जो रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी जो पूरी नहीं होगी, कितनी पॉपुलेशन होगी जो विदाउट फूड रह जाएगी, ठीक है।
साथ ही साथ जॉब्स के कितने क्राइसिस आ जाएंगे। सो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नंबर टू है जी, ये लोगों को ये भी बताती है डेमोग्राफी कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं अगर हमारी जो फैमिली है वो छोटी है। छोटी फैमिली के बेनिफिट्स भी बताती है, स्मॉल फैमिली के एडवांटेजेस बताती है। अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं बच्चे, हायर एजुकेशन ले सकते हैं अगर बच्चे कम हो घर में। अगर एक या दो बच्चे हैं तो उनको पेरेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा रख सकते हैं, कंपेरेबल टू अ फैमिली जिसके अंदर 5 से 6 बच्चे हैं। वहाँ पे हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, खाना भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे और रिक्वायरमेंट्स भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। फिर उसके बाद इसमें अवेयरनेस आती है लोगों के बीच में ग्रोथ डेंसिटी के बारे में भी, और ये लोगों को भी इन्फॉर्म करता है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जो मैंने आपको बताया था। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट्स पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं। देखो बेटा, जहाँ पे तो फेवरेबल क्लाइमेट है, खासकर टेरेस्ट्रियल जोन में पानी भी अच्छा है, मॉइस्चर भी अच्छा है एयर में और न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल हैं सॉइल में, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी। अब अगर आप हायर साइड पे चले जाओ, चाहे तो आप ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, डेजर्ट ज़ीरोफिटिक एरिया, या आप ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे बहुत ही माइनस में टेम्परेचर है, पोलर रीजन्स। सो जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होंगी, या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा या तो टेम्परेचर माइनस में होगा, वहाँ पे डेफिनेटली पॉपुलेशन कम हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे सर्वाइवल रेट कम हो जाएगा ना बेटा। तो अगर आप पोलर रीजन में कैलकुलेट करो पॉपुलेशन, तो आपको वहाँ पे बहुत कम लोग मिलेंगे, रेयरली। और इसी तरह अगर आप डेजर्टेड एरिया में पॉपुलेशन को देखो तो वहाँ पे भी आपको पॉपुलेशन बहुत कम मिलने वाली है। क्यों कम मिलेगी? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। इसीलिए और भी रीज़न है कि वहाँ पे पॉपुलेशन कम हो जाती है, क्योंकि चाहे डेजर्ट ले लो चाहे बहुत ठंडा पोलर रीजन ले लो, वहाँ पे एग्रीकल्चर हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे सॉइल में वाटर की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और साथ ही साथ रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। तो जब फूड ही नहीं अवेलेबल होगा पर्टिकुलरली जगह पे, तो वहाँ पे बेटा पॉपुलेशन कहाँ से एक्सपैंड हो सकती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है और ये रिप्लेसमेंट रेट से कैसे डिफरेंट है। टोटल फर्टिलिटी रेट होता है एवरेज नंबर बच्चों के विच एन एवरेज कपल वुड प्रोड्यूस ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। एक कपल अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चे पैदा करता है, ये होता है बेटा टोटल फर्टिलिटी रेट। अच्छा, ये रिप्लेसमेंट रेट से कैसे डिफरेंट है? रिप्लेसमेंट रेट होता है कि कितने लोग जब उनकी डेथ हो जाती है उनको रिप्लेस कर देते हैं यंग वंस, उसको रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं। सपोज एक पॉपुलेशन 500 पीपल की है, उसमें 500 लोग मर गए और उसके अगेंस्ट 500 लोगों में से 5 लोग मर गए और उसके अगेंस्ट उसी दिन 5 बच्चे पैदा हो गए, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट रेट आपके सामने आ गया, 5 आर डेड एंड 5 आर बॉर्न। सो रिप्लेसमेंट रेट क्या हुआ? नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ कपल मस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, टू रिप्लेस देमसेल्व्स सो दैट देयर इज जीरो ग्रोथ रेट, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ कपल मस्ट प्रोड्यूस टू रिप्लेस themselves सो दैट देर इज जीरो ग्रोथ रेट। और ये जो एस्टिमेट है इसका 2.1 एस्टिमेट होता है। सो बच्चों, ये आज का लेक्चर था, आई होप आपको समझ आया होगा। सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑनलाइन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आई एम ऑलवेज देयर टू रिजॉल्व इट। टेक केयर।